Hello and welcome to our YouTube channel Ruble Solution. In this video, let's discuss something about Google Docs. I have made a video on Google Drive and now we will go to Google Drive and work on Google Docs. First of all, the first step is to log in like this. I have logged into Ruble Solutions. Then I go to Google Drives. And now you can see the options are coming here. And new options is there. New option will go to file upload. मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि आप नई फाइल अपलोड कर सकते हैं. आज हम एक बनाएंगे, Google Doc बनाएंगे और फिर उसको सेव करके शेयर करेंगे. ठीक है, अब गूगल डॉक्स में ऑप्शन है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है या टेम्पलेट से बनाना है. अभी इस वीडियो में हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं. ठीक है, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. अभी ये नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया है. आप इसको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे आप वर्ड में काम करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट खुल गया है. और ये बिल्कुल ये ऑनलाइन है. और देखो इसका टाइटल भी आया हुआ है. आप इसका टाइटल लिख सकते हैं, फर्स्ट गूगल डॉक्यूमेंट वीडियो. ठीक है, मैं इसको ये लिख देती हूँ. और यहाँ पर जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल Ruble Solutions. And next मैं लिख देती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियोस. ठीक है, अब सपोज करो कि अगर हम इसका, जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, अब मैं इसको हाईलाइट करूँगी और इसका इसको बोल्ड करूँगी और इसका फॉन्ट मैं कर दूँगी ब्लू कर दूँगी. और फॉन्ट साइज भी है यहाँ पर, ये रहा फॉन्ट साइज, इसको कर दूँगी 60 कुछ ज़्यादा हो गया है, मैं कर देती हूँ 36. ठीक है, और आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर देती हूँ कॉस्मिक. कॉस्मिक से क्या हुआ, जैसे मैं इसको नीचे ले आई, अब इसको मुझे मिडल में लाना है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया. क्या किया मैंने, हाईलाइट माउस से और इसको मिडल में ले आई. उसके बाद हम ये कर रहे हैं थैंक्स फॉर, मुझे इसको भी मिडल में लाना है लेकिन मुझे इसको रेड में करना है. और इसका साइज़ भी बड़ा करना है और इसको फॉन्ट देना है कुछ. अब देखो यहाँ पर एक ये नीचे रेड लाइन आ गई है, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वीडियोस. तो इस तरह से जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें काम कर सकते हैं आप. बिल्कुल देखो, इसमें भी फाइल ऑप्शन है. फाइल में नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को. और किस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, डॉकएक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इसी फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो एडिट में भी वही ऑप्शंस, अनडू. एक्चुअल जिसने वर्ड किया होगा उसके लिए तो बहुत आसानी होगी, बट जिसने वर्ड नहीं भी किया हुआ, अगर आप कुछ भी इसमें बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं. जैसे सपोज करो कि आपको कोई पॉइंट्स बनाने हैं, आपको करना है कि हम क्या क्या करने वाले हैं दिन भर में. तो ये देखो, ये बुलेट्स हैं. बुलेट्स ऐसे 1, 2, 3 के फॉर्म में भी हैं और इस फॉर्म में भी हैं. सपोज करो मैं ये यूज़ करती हूँ, अब मैं ये यूज़ करती हूँ, इसका कलर मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो मैंने उसको हाईलाइट किया. मतलब किसी भी चीज़ को अगर कलर चेंज करना है तो हाईलाइट करो. अब जैसे पॉइंट्स है, हम अभी क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, या इसका मेन्यू बार क्या है, मेन्यू बार ऑफ गूगल डॉक, लेट सपोज इसके बारे में बना रहे हैं. और इसका साइज़ थोड़ा ऊपर वाले साइज़ से कम कर देते हैं. ठीक है, जैसे कम किया तो 18 कर दिया. उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपने देखा वो आ गया, लेकिन मैं जैसे ही टैब दबाऊंगी तो ये आगे चले जाएगा. अब आगे में मैं बताऊंगी, फाइल आता है इसमें, इसमें एडिट आता है, इसमें व्यू आता है, इंसर्ट आता है, फॉर्मेट आता है, टूल्स आता है, एड ऑन्स आता है, हेल्प कॉलम आता है, असेसिबिलिटी आती है. ठीक है, इस तरह से आता है. अब मुझे अगर सपोज करो इन सब को हाईलाइट करो, अगर फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज करो, एरियल चेंज करना है एरियल चेंज करो, कुछ भी जो भी करना है आपको करो,
बट अभी फ़िलहाल में आई थिंक सो फॉन्ट साइज़ ठीक है, और लॉबस्टर कर देते हैं, चलो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आपने देखा ये मेरा एक पेज बन गया सिंपल। अब देखिए आप इधर इधर राइट साइड में आइए, ऊपर देखिए शेयर की ऑप्शन है। ठीक है, अब शेयर जैसे आप करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं, आप और आप बता सकते हैं कि वो क्या करे, वो सिर्फ व्यू करे, सिर्फ कमेंट करे या एडिट करे। अब मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन सिर्फ व्यू करे, क्या करे, व्यू। तो अब वो पर्सन सिर्फ ये डॉक्यूमेंट व्यू कर सकता है, अगर कमेंट करे तो ये पर्सन कमेंट कर सकता है, और एडिट करे तो वो पर्सन एडिट भी कर सकता है। सपोज करो मैं करती हूँ व्यू करे, और मैं यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देती हूँ विशाल बंसल का, मैंने उसको ऐड कर दिया, उनको ऐड कर दिया है, और उनको हमने नोटिफिकेशन भी भेज दिए। हम उनको लिख रहे हैं प्लीज सी द अटैच डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट सिर्फ किसको जाएगा, सिर्फ उसी विशाल बंसल को जाएगा। और अगर हम एडवांस पार्ट लेते हैं तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं प्राइवेट सिर्फ हम असेस कर सकते हैं। अभी हमने विशाल बंसल को कर दिया है ऐड, और अगर आपने अपने आप को भी कॉपी भेजनी है तो मैं कर सकती हूँ सेंड अ कॉपी टू मी, और पेस्ट, और एक ईमेल चले जाइए। और भी ऑप्शंस हैं, प्रिवेंट एडिटर्स फॉर चेंजिंग असेस एंड एडिंग न्यू पीपल, मतलब कि जो एडिटर है जिसने बनाया है उसको प्रिवेंट करिए। डिसेबल ऑप्शन टू डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी, ये भी कर सकते हैं कि कोई बंदा इसको डाउनलोड ना कर पाए, प्रिंट ना कर पाए, कॉपी ना कर पाए। ठीक है, अगर आप इसको प्राइवेट ओनली कर लेंगे तो सिर्फ प्राइवेट बंदा ही देख पाएगा, और आप इसको फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं, गूगल डॉक्स में भी डाल सकते हैं। सपोज करो हम फेसबुक का करते हैं तो वो क्या कहता है, स्पेसिफिक पर्सन ऑन विद दिस थिंग ऑन द वेब, तो जैसे हम कहते हैं कि हाँ ऑन द वेब शेयर टू द, सबके साथ असेस हो जाए तो शेयर टू द फेसबुक। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये विंडो आई है, ये देखो आप ये टाइमलाइन पर है, और यहाँ हम इसके साथ शेयर कर रहे हैं गूगल गूगल डॉक एग्जाम्पल ऑन अ वीडियो कमिंग अप। ठीक है, ओके, तो हम इसको अब यहाँ पर ऑप्शंस है फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स के साथ पोस्ट टू द फेसबुक। ठीक है, अब ये मेरे फेसबुक पर पोस्ट हो गया है, क्रॉस हो गया, ओके। अब हम सेंड करते ही विशाल बंसल को ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, डन कर दो, ये है सब काम। मेन पार्ट क्या होता है, शेयरिंग की समझदारी होती है कि हमने शेयर किसको करना है। अभी आप यहाँ पर सिर्फ ये भी कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑफ। तो ऑफ से क्या होगा कि ये सिर्फ लिंक किसको मिलेगा, हमको ही मिलेगा। और अगर आप इसमें ऑप्शन कर सकते हैं एनी वन विद द लिंक कैन एडिट, एनी वन विद द लिंक कैन कमेंट, एनी वन विद द लिंक कैन, तो आप ये ऑप्शंस बहुत ज़रूरी हैं। बेसिकली ऑन का मतलब पब्लिक, ऑन एनी विद द लिंक, ऑफ का मतलब स्पेसिफिक पर्सन। तो अगर आपको स्पेसिफिक पर्सन पे जाना है तो आपको क्या करना है, ऑफ करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को बंदे को भेज देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब काफ़ी क्लियर होगा कि गूगल डॉक्स में काम कैसे करते हैं। अपना सारा डॉक्यूमेंट बना लीजिए, उसके बाद मेन काम है शेयर का ऑप्शन। ठीक है, शेयर ध्यान से कीजिए, क्योंकि अगर आपने पब्लिकली शेयर कर दिया कोई डॉक्यूमेंट जो कि आपको सिर्फ पर्सनली करना था तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट की ऑप्शन भी है, अगर आप शेयर नहीं भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखो अब मैं सेव आपको करके दिखाती हूँ, डाउनलोड डाउनलोड एज पीडीएफ, मैं इसको क्या बना रही हूँ, पीडीएफ बना रही हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल बना रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये बन गया है पीडीएफ फाइल, देखो ये पीडीएफ तैयार हो गई है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल। ये एक सिंपल सिंपल तरीका है, आप वापस तरीका है गूगल डॉक्स में काम करने का। अभी नेक्स्ट वाले तरीके में हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे, मेन कुछ भी नहीं है। गूगल ड्राइव एक बार फिर से स्टेप रिपीट कर देती हूँ, या फिर यहाँ लिख देती हूँ स्टेप्स,
सिंपल लैंग्वेज में स्टेप्स क्या हैं, लॉग इन गूगल अकाउंट, इसका फॉन्ट सही कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को, टाइम्स रोमन वैसे हम लोग यूज करते हैं जनरली, टाइम्स रोमन टाइम्स रोमन, ठीक है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉग इन करिए, लॉग इन करने के बाद गो टू गूगल ड्राइव, गो टू गूगल ड्राइव, देन गो टू गूगल डॉक्स, देन गो टू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, देन डू ऑल एडिटिंग पार्ट एंड सम अप द डॉक्यूमेंट, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज शेयर, शेयर ऑप्शन ऑन राइट कॉर्नर ब्लू बटन, सी ऑप्शंस एंड डू अकॉर्डिंगली एज ओनली मी प्राइवेट ऑप्शन विल गिव यू टू सेंड अ पर्टिकुलर पर्सन, पब्लिक ऑप्शन ओपन फॉर ऑल एंड फ्रेंड्स ऑप्शन, यू कैन शेयर ऑन गूगल प्लस फेसबुक ट्विटर ऑल्सो द ऑप्शन इज गिवन। सो इन मैं एक बार एंड में बस ये क्लियर कर दूँ करना चाहती हूँ, बी केयरफुल टू शेयर योर गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स। आई विल मेक सम मोर वीडियो ऑन दिस एंड प्रैक्टिकल वीडियोज लाइक दिस। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल एंड थैंक यू so much, love. If you are liking our videos, please do share and do give the feedback. Please comment below if anything is left, and if any topic is to be covered more frequently, please comment. And thank you so much for visiting and viewing our videos. Love.